जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू जो है अभी जनरेट हुआ है या उत्पन्न हुआ है, ये रिलेटेड है अजमेर शरीफ दरगाह जो राजस्थान में अजमेर में है। तो यहाँ क्या इशू हुआ है और क्या यहाँ पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डिकोड द लॉ विद एनकेम पे, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए। तो आए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से अभी वक्त बोर्ड का बिल जो है अमेंडमेंट पार्लियामेंट में गया था और फिर वो जेपीसी के पास गया, तो कई मुस्लिम संगठन जो है कई गाँव को जो है नोटिस भेज दिया बाय द डीएम कि ये गांव वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और कई जो है संगठन जो मुस्लिम संघ जो है वक्फ बोर्ड जो है ये मंदिर पे भी दावा ठोक, इवन ओबीसी जो है के स्टेटमेंट के हिसाब से मुकेश अंबानी जो एंटीला जहां पे बना है वो भी ज़मीन वक्फ बोर्ड का है। लेकिन अभी कंट्रोवर्सी अब हिंदू के तरफ से भी दावा ठोकने की बात चलने लगी है। अभी जो है फिलहाल हिंदू संगठन ने अजमेर शरीफ दरगाह जो है उसको शिव मंदिर का दावा ठोक दिया। और ऐसा भी आप अगर जानते हैं कि मंदिर जो है तोड़ के ही जो भी मुगल थे या तो मस्जिद बनाए या तो दरगाह बनाए, क्योंकि वो सांस्कृतिक कल्चर जो है और देवीय व्यवस्था जो भारत में था उसको बर्बाद करके अपनी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। इसलिए तो ये कहीं ना कहीं अब क्या सच्चाई है और क्या झूठा है ये तो फैक्ट बताएगा, लेकिन ये जो दावा जो ठोका है ये कोर्ट में दावा ठोका है, कोई मुँह से बोली हुई दावा नहीं ठोका है। हिंदू संगठन ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए कोर्ट में दावा ठोका। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि बनारसी का जो है और वहाँ पे शिव मंदिर उसको तोड़ के जो मस्जिद बनाया गया था वो मस्जिद का भी केस अभी चल रहा है लॉर्ड कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। फिर जो है मथुरा में जो कृष्ण जी का मंदिर तोड़ के वहाँ पे जो मस्जिद बनाया गया है वो उसका भी केस चल रहा है और नीचे अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना एक यहाँ पे डिसीजन होते हैं फिर हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, दोनों पार्टी अपने अपने दावे अपने अपने हिसाब से ठोक रहे हैं। अभी जो है जैसा कि आप जानते हैं यूपी में भी कई ऐसे जगह पे दावा ठोक के जा चुके हैं और यहाँ पे लीगल बैटल चालू है। और एमपी में भी जो है बहुत सारा मंदिर हैं वहाँ पे भी सर्वे का काम कोर्ट के ऑर्डर से हो चुका है, अभी प्रोसेस जो है वहाँ पे लीगल एक्टिविटी या दावा वहाँ पे चल रही है प्रोसेस। तो अब नया एपिसोड जो है अभी अजमेर शरीफ दरगाह आया हुआ है। इसके पहले आप ऑलरेडी जान ये भी सुने होंगे कि ताजमहल पे भी हिंदू संगठन ने कह चुका है कि ताजमहल जहाँ पे बनाया गया उसके नीचे आज भी शिव मंदिर मौजूद है। जैसा कि आप जो है कई जगह पे और देखा जा रहा है या देखते हैं कि अंदर में मंदिर पाया जाता है और ऊपर में जो है मस्जिद पाया जाता है। तो अब इस अपडेट से नया बल मिला है और अब ये कहाँ जाएगा, लेकिन ये कहना सही है कि वक्त बोर्ड ने देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी जो ने कानून बना के वक्त बोर्ड स्थापित किया और फिर वो राइट देना शुरू किया, बाद में इनके सक्सेसर जो कांग्रेस के बने
उन्होंने राइट दिया 2023 में आके जितना राइट उनको दे दिया, वन साइडेड अल्ट्रा पावर दे दिया जो संविधान से भी ऊपर जाता है। अब ये वक्त बोर्ड जब जेपीसी के अंडर जो है वहाँ पे कंसल्टेंसी की व्यवस्था पे है, फिर उसको दिसंबर में रखा जाएगा पार्लियामेंट में, लेकिन उसके पहले हिंदू संगठन के तरफ से जो दावे हो रहे हैं और मुस्लिम संगठन के उसके तरफ से जो दावे हो रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से, अब जो है देखना यही है कि लीगल बैटल जो है ना, लीगल कहाँ तक ही जाता है बैटल, और क्या हिंदू संगठन जितने भी मस्जिद बनाए गए हैं या जितने भी कब्रगाह बनाए गए हैं या जितने भी मजार शरीफ बनाए गए हैं, और अगर हिंदू मंदिर पे है तो क्या लीगल बैटल के प्रोसेस से उसको खाली कराया जाएगा, या फिर दोनों में समझौता होगा हिंदू और मुस्लिम की इस लिमिट के बाद जो है मुझे बख्श दीजिए और इस लिमिट के बाद हम आपको उस तरह से जो है नहीं हम क्लेम करेंगे जैसा कि वक्फ बोर्ड क्लेम करता है, एक गांव का क्लेम कर लेता है। आप समझ सकते हैं कि एक गांव किसी एक संस्था का कैसे हो सकता है। एक जो है गवर्नमेंट के जमीन को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और वक्त पे चढ़ा दिया। गवर्नमेंट खुद फाइट कर रही है वक्त बोर्ड से और जमीन का राइट लेने के लिए, और कई जगह गवर्नमेंट को हाईकोर्ट के थ्रू राइट मिल चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।